अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एक तरीके से SEO रिपोर्ट गूगल क्रोम में कैसे जनरेट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट की या अपनी वेबसाइट की। तो उसके लिए अभी हमने एग्जांपल के तौर पे एक वेबसाइट ओपन की है interwood.pk। ये फर्नीचर का एक ई कॉमर्स स्टोर है और इस वेबसाइट को हमने यहाँ पे एनालाइज करना है गूगल में, गूगल के टूल्स को यूज़ करके। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम गूगल के क्रोम के ऑप्शंस में गए हैं तो मोर टूल का ऑप्शन आया। मोर टूल्स में से हमने यहाँ पे क्लिक करना है डेवलपर टूल्स को, और डेवलपर टूल्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इनमें से हमने क्लिक करना है लाइट हाउस को। तो लाइट हाउस पे ऑलरेडी मैंने चूँकि क्लिक किया हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे आप देख लें आपके पास बहुत से ऑप्शंस आते हैं। जैसे यहाँ पे डिवाइस है, डेस्कटॉप या मोबाइल, आपने किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस एनालाइज करवानी है, कैटेगरीज में वेबसाइट की परफॉर्मेंस, पेज लोडिंग वगैरह, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे उसको एनालाइज करवा सकते हैं, उसका ऑडिट करवा सकते हैं। हम जो है वो यहाँ पे सिर्फ SEO पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें अभी जो है वो सिर्फ SEO की रिपोर्ट चाहिए। तो जब हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और एनालाइज पेज लोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए रिपोर्ट जो है वो जेनरेट करके दे रहा है हमें। साथ ही ये कुछ थोड़ी थोड़ी टिप्स भी साथ साथ बताता है जब तक आप वेट कर रहे होते हैं। तो लाइट हाउस जो है वो गूगल क्रोम में एक ऐसा ऑप्शन है जो कि उस क्विक आप समझ लें कि ऑडिट करके हमें इश्यूज जो है वो भी हाईलाइट करके बता देता है, और कुछ अगर उसमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है या जो टेस्ट आपने पास किया आपकी वेबसाइट ने तो वो भी हमें जो है वो बता देता है। अब ये जैसे ही रिपोर्ट जनरेट होगी तो हम इसको देखेंगे कि इस वेबसाइट में उसने क्या इश्यूज जो है वो हाईलाइट करके हमें दे दिए हैं। यहाँ पे जो है वो साथ साथ जो टिप्स बताता है वो नॉर्मली इसी वेबसाइट से रिलेटेड बताता है यूज़र्स के हिसाब से, और ये भी बताता है कि पेज लोडिंग, वेबसाइट की लोडिंग वो कैसी होनी चाहिए, और जो वेबसाइट जो है या उसमें विजुअल कंटेंट जो है वो तकरीबन 7 सेकंड से ज़्यादा लेता है तो वो उस पे बाउंस रेट जो है वो मतलब बढ़ जाता है, जो कस्टमर्स हैं वो वापस चले जाते हैं किसी दूसरी वेबसाइट की तरफ। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है वो जनरेट होके आ गई है। इस वक्त जो SEO का स्कोर है वो 82 यहाँ पे शो कर रहा है, और इशू जो उसने हाईलाइट करके दिए हैं वो क्रॉलिंग से रिलेटेड है। लिंक्स आर नॉट क्रॉलेबल, यानी कुछ लिंक्स उसने बताए हैं जो कि क्रॉलेबल नहीं है इस वेबसाइट पे। ये यहाँ पे अनक्रॉलेबल लिंक्स भी उसने बताए हैं यहाँ पे नीचे, और ये जो इशू है ये तब आता है जब आपके जो लिंक्स हैं उनमें HREF या HREF जो भी प्रोनंसिएशन आप करें, ये हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस का टैग होता है, ये यूज़ नहीं हुआ होता। ये यूज़ करना जो है, जब आप ये यूज़ करते हैं टैग, तो इससे क्या होता है कि आपके जो लिंक्स होते हैं वो क्रॉलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट में ये इशू उसने आइडेंटिफाई करके दिया। दूसरा, उसने बताया कि जो इमेज एलिमेंट्स हैं उसमें एल्ट एट्रीब्यूट नहीं है, और ये वो इशू है जो हमने SEO में भी आपको बताया ऑन पेज में टेक्निकल में कि इमेजेस के लिए एल्ट एट्रीब्यूट को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे जैसे इसने बताया कि यहाँ पे एल्ट इमेज उसका नहीं, एल्ट जो एट्रीब्यूट है उसका वो टैग वो नहीं डिक्लेयर किया गया, ये इशू उसने दो हाईलाइट करके बताए। और उसके बाद उसे कहा कुछ एडिशनल आइटम जो है जो कि मैन्युअली चेक किए जा सकते हैं, स्ट्रक्चर डेटा इज वैलिड एंड सो ऑन, इसको भी हम रहने देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पास्ट ऑडिट, यानी इस वेबसाइट ने कौन कौन से टेस्ट जो है वो पास किए। तो उसमें उसने बताया कि जो मेटा नेम व्यू रिपोर्ट टैग है वो ओके है, डॉक्यूमेंट में टाइटल एलिमेंट भी है, डॉक्यूमेंट में मेटा डिस्क्रिप्शन भी है, HTTP स्टेटस कोड भी इसका सक्सेसफुल है, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट मौजूद है लिंक्स का, और इन पेज कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है, इंडेक्सिंग से ब्लॉक नहीं किया गया, रिपोर्ट्स डॉट टेक्स्ट वो भी फाइल ठीक है, डॉक्यूमेंट में लैंग्वेज टैग जो हमने पहले भी आपको बताया पिछली वीडियो में, ये लैंग्वेज टैग जो है ये भी डिक्लेयर किया गया है, डॉक्यूमेंट वॉइस प्लगइन। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो उसने बताया कि ये इसमें से मतलब क्लियर है, इस लिहाज से वेबसाइट जो है बिल्कुल क्लियर है। कुछ इश्यूज़ हैं जो उसे बताया कि ये अप्लीकेबल ही नहीं थे। मेन जो हमारे लिए चीज़ है वो ये दो प्रॉब्लम्स है जो कि उसने आइडेंटिफाई करके हमें दिए, और अगर वेबसाइट इसको कर लेती है, डील कर लेती है इन इश्यूज़ को, तो उसका जो SEO स्कोर है वो और बढ़ जाएगा, उसकी SEO परफॉर्मेंस और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये बिल्कुल क्विक और बहुत आसान किस्म का जो है हमारे पास बेसिक रिपोर्ट जो है SEO की, जो कि हम गूगल लाइट हाउस की मदद से जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस जो ट्यूटोरियल है इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप भी अपनी वेबसाइट को क्विक वे में एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू।